हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ मैथमेटिक्स से क्लास 7 का मेंसुरेशन को सॉल्व करना, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने करा। तो कुछ कमेंट्स आए कि सर और भी आगे जल्दी जल्दी करें, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ इस लेक्चर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, बहुत टफ़ नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा जो थोड़ा ज़्यादा टफ़ है, जो अच्छे क्वेश्चन है, उससे मैं शुरू करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं लास्ट के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूँगा और पहले के क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट के क्वेश्चन से। लास्ट के 4 क्वेश्चन एक साथ है, जिसमें मैच करना है। क्या करना है? 18, 19, 20, 21। तो मैं 18 से शुरू करता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इफ़ आर एंड आर बी द रेडियाई ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स। आर आर ये सब क्या है बताइए? ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है, ठीक। देन एरिया ऑफ द रिंग, इससे एक रिंग बनेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह से है हमारा, ये बाहर का जो रेडियस मतलब बड़ा वाला, ये आर है, और अंदर का रेडियस कितना है? आर है। तो ये जो रिंग बनेगा, इसका एरिया मांगा है। अब खुद सोचिए, अगर हमको रिंग का एरिया मांगेगा तो टोटल एरिया बाहर वाला मतलब ये पूरा कवर करेगा, अंदर से हटा देंगे। तो यहाँ मांगा है एरिया ऑफ रिंग क्या होगा। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा बताइए? एरिया बाहर का सर्कल का, तो एरिया आउटर सर्कल माइनस एरिया इनर सर्कल। आउटर का क्या होगा बताइए? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एक फार्मूला भी याद हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 18 नंबर है, इसके ऑप्शंस कॉलम ए में, कॉलम बी में गिवन है। कॉलम बी में आपका 60 है, 60 नहीं है, 10√2 ये भी नहीं है, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऑप्शन डी में अवेलेबल है। तो आंसर क्या होगा? डी। और यहाँ पे लगा हुआ था स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब ये है कि मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ रिंग का ये फार्मूला होता है, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। ओके, उतार लें कैसे हुआ देखिए, पूरा अंदर हटा देंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो एक बार लाइक तो कर ही दें, एक ही बार लाइक होगा वैसे वैसे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ इज √10 सेंटीमीटर। क्यूब है ना, जिसका इज कितना दिया हुआ है? √10 सेंटीमीटर। तो क्यूब की अगर बात करें, जो टोटल सरफेस एरिया की बात करें, आप क्यूब बना के देखेंगे, क्यूब मैं ऐसा बना सकता हूँ, वैसे यहाँ बनाना मुमकिन नहीं है, तब भी आपको कुछ फीलिंग आएगी। लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, और सरफेस एरिया कितने सरफेसेस हो गए? 6 सरफेसेस। 6 के 6 क्या होंगे? स्क्वायर्स होंगे। और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a × a, a² इस तरह के कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं, तो 6a² होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें मांगा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? तो फार्मूला क्या होगा? a² 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 6 बार a² तो 6a², 6 × √10² या √10 का स्क्वायर 10 आ जाएगा, 6 × 10। √10 का स्क्वायर 10 कैसे होगा? √10 का मतलब पावर हाफ, उस पर पावर 2, 2 2 कैंसिल, 10 आ जाएगा। 10 6 कितना हो जाएगा? 60, चूँकि एरिया है तो आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहला ऑप्शन है 60, तो ऑप्शन ए ही आपका सही है, ठीक है? उतार लें एरिया का मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या जाना? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया a², तो कितने सारे इस तरह के सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस हैं, तो 6a², सिंपल सी बात है, उतार लें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होगा और साइड कितना गिवन है? √10 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है? अब बताइए स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल मांगा है,
ठीक है, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। डायगोनल मांगा है तो डायगोनल का क्या होगा फॉर्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना, मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का जो अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूस होता है, वो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के समेशन के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। मतलब ये छोटे छोटे साइड कौन है, दस दस, दस का स्क्वायर प्लस दस का स्क्वायर रूट। ये दस का स्क्वायर कितनी बार है, दो बार, 2 × 10² 10² से 10 बाहर निकल जाएगा, रूट टू अंदर रह जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। या आप ऐसे कर सकते हैं, 10² 100, 100 प्लस 100 कितना, 200। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 2 × 10 × 10, 2 × 10 से 1 × 10 बाहर आ जाएगा, 10√2, जैसे आप चाहें निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे 10√2 कहाँ पे, ऑप्शन बी में उतार लें। डायगोनल का फार्मूला क्या याद रखें, डायगोनल ए ए, तो ये डायगोनल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या 2 × a² का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर से ए बाहर हो जाएगा, ए √2 आंसर होगा। ठीक है, उतार लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको इसमें कुछ जानना है ठीक से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उस पर भी लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। ओके, बीस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 21 कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक, देन द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जिसमें एंगल कितना लिया हुआ है 45 डिग्री। तो आप खुद समझें, सेक्टर मतलब ये जो एंगल है ये 14 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। आप खुद सोचें, पूरा जो एरिया होगा 360 डिग्री के लिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया था ये 1 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। तो आपको कितना डिग्री चाहिए, 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री कितनी बार होगा, 8 बार, ऐसे भी समझ आ रहा है, तो 1/8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 1/8 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 × 14, 7 × 14, 2 × 8, 2 × 4, 2 ×11, 22, 2 × 7, 14, कितना आंसर होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77, ये ऑप्शन नंबर एफ में है, किस में बोलिए, एफ में, बहुत इजी है, उतार लें। या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप याद रख लें, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा, थीटा मतलब जो एंगल होगा यहाँ 45 डिग्री, तो ये याद रहे, बाई डिफॉल्ट हम जिस एरिया को लेते हैं वो हमारा माइनर सेक्टर का एरिया। ओके, उतार है, चलिए 21 हो गया। अब हम लोग इससे पहले वाला जो मैच वाला कॉलम है वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, इसमें भी मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 से 17, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला वैसे आपको याद रखना, ट्रेपेजियम होता क्या है ये निकालना है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है आप याद रखें, ट्रेपेजियम में एक पेयर जो ऑपोजिट होगा क्वाड्रिलेटरल का वो पैरेलल होगा, याद रखना है, ट्रेपेजियम में एक पेयर जो होगा ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल वाला समझने की कोशिश करते हैं, इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, इधर ऐसा ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, 90 डिग्री मान लो बना रहे हैं, वैसे दूसरे ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक स्पेशल ले लिया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें फार्मूला जो बनेगा क्या होगा बताइए, ये मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक, तो ये वाई है, ये पूरा क्या है आपका वाई, ठीक ना, और ये हाइट को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया, ये क्या हो जाएगा जेड, तो ये वाई है, तो ये कितना है एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स। तो एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और ये जेड, ये आपका रेक्टेंगल है एक्स इंटू जेड, प्लस ये क्या है आपका ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बताइए वाई माइनस एक्स और हाइट कितनी है जेड, तो आपका यहाँ पर क्या कॉमन होगा जेड, जेड क्या हो जाएगा कॉमन बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स, ये कितना है आपका 2। फिर मैं कह रहा हूँ ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ये x इंटू जेड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो z क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2,
तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू टू एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस वाई बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको ठीक से अगर लिखें तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो ये क्या एक्स प्लस वाई क्या हो गया, ये एक्स है और ये टोटल वाई है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो फार्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है या डिस्टेंस बिटवीन दे में लिखा हुआ है ऑप्शन सी। ताला समझ आया होगा, ट्रेपेज़ियम में क्या होता है कि एक पेयर जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल का वो पैरेलल होता है। हमने इधर क्या ले लिया, इधर रेक्टेंगल ले लिया, इधर ट्रायंगल ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, दोनों के एरिया को जोड़ा। तो फार्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 जिसको ऑप्शन सी से मैच करा। ऑप्शन 15 सॉरी क्वेश्चन 15 ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। इसमें बोला देन द टोटल लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर और नीचे का छोड़ के, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई नीचे वाला छोड़ देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊपर वाला छोड़ देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया मांगे, क्या मांगा है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए इंटू ए इंटू ए या ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ, तीनों सेम होगा चूंकि क्यूब है। 512 क्या होगा, 8 गुना 8 गुना 8। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो क्या होगा, मैंने क्या बोला 6 सरफेसेस होते हैं तो 2 सरफेस तो छूट जाएगा, तो क्या बचेगा 4a² क्या होगा, 4 इंटू ए इंटू ए, तो 4 इंटू 8 इंटू 8, 8 चौक 32 गुना 8, 8 गुना 16 का चांस लेगा, 8 गुना 38 24 1 25, 256 चूँकि एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन ई मैच कर रहा है, तो ई आंसर होगा, ठीक। उदाहरण बहुत इजी है, लेटरल सरफेस एरिया में याद रखें कि ऊपर और नीचे वाला जो हमारा सरफेस है उसको हम छोड़ के बात करते हैं। डन, 1 2 3, 15 हो गया। टफ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज रूट 2 8 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है ना, ये कितना गिवन है, रूट 8, तो ये ए ए ए मांगा। अभी तो बताएं फार्मूला, ये डायगोनल है आपका, डायगोनल का फार्मूला क्या आया, रूट 2 ए, डायगोनल कितना गिवन है, रूट 8 बराबर रूट 2 ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 8 बटे रूट 2, मतलब ए इसी पर रहने दें चाहे तो, रूट 8 बटे रूट 2 हो गया, और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको एक ही साथ करते हैं, 8 बटे 2 चौक 8, तो ए बराबर क्या हो गया, रूट 4, 4 का रूट कितना आएगा, 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, रूट 8 मीटर बोला है तो 2 मीटर आंसर आ गया, सिंपल है। और ये 2 मीटर कौन सा आंसर होगा बताइए, 2 मीटर, हाँ इसमें मांगा है एरिया, क्या मांगा है, एरिया, तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो क्या होगा 2 इंटू 2, दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए, आई थिंक ये समझ आया होगा आपको, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, 17 में क्या बोला है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर थीटा 45 डिग्री, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मांगा, ठीक है। देखिए पेरीमीटर का मतलब क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, कितना एंगल लिया बताइए, 45 डिग्री, ये आपका रेडियस है 7, ये 7 और एंगल 45 बना रहा है, ये पेरीमीटर ये तो होगा ही और साथ में ये भी होगा, 7 और 7 जुड़ेगा, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, आर आर 2 आर होगा। अब बताइए कितना डिग्री, हमको पता है 360 डिग्री घूमने से कितना होगा, 2 पाई आर, तो कितना चाहिए, 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री, तो 45 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री गुना 45 डिग्री, ये होगा लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन हमको ये दोनों एक्स्ट्रा जोड़ना है, ये 8 2 चौक 8, तो क्या होगा, 1 बटे 4 गुना पाई 22 बटे 7, रेडियस कितना, 7 7 कैंसिल,
2 × 4 क्या हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क, बट रिक्वायर्ड जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, ये होगा 2R, मतलब ये आर आर 2R प्लस 5.5, 2R मतलब 2 × 7 प्लस 5.5 दैट इज 14 प्लस 5.5 दैट इज 19.5 सेंटीमीटर। 19.5 सेंटीमीटर आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन F। बट F में क्या बोला है, वहाँ पे गलती से मीटर स्क्वायर कर दिया है तो उसको आप सेंटीमीटर कर दें, गलती से ऐसा हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, किताब बनाने वाले की बिल्कुल गलती नहीं है, उतार लें इसको फिर आगे बढ़ेंगे। सेवेंटीन हो गया। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें बोला है कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो आप मैच कर लेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीन की बात होगी, लेंथ होगी ब्रेथ होगी हाइट होगी, तो बेस का जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ बेस कितना गिवन है, दैट इज गिवन 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है, हाइट इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क फिल्ड, कॉस्ट क्या होगा है ना, मिल्क फिल्ड इन द क्यूबॉइड एट द रेट ऑफ ₹13 पर लीटर, बुक होगा तो आपको समझ आएगा, एक लीटर का 13 रुपया है, उसमें कैपेसिटी कितनी होगी, उसका वॉल्यूम चाहिए, वो एक लीटर का 13 रुपया है, तो कॉस्ट मांगा है, इसमें जो मिल्क आएगा उसमें सीक्वेंस में डालना है। तो देखिए सीक्वेंस में बाद में डालिए, समझने की कोशिश करें, सॉरी। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 800 गिवन है ना, और हाइट कितना गिवन है बताइए, 60 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम यही ना कैपेसिटी होगी, वॉल्यूम ही क्या होती है कैपेसिटी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ तो एक साथ गिवन है 800, और हाइट कितना गिवन है 60, तो 8 × 48 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब, जो कि लीटर में गिवन है। अब बताइए एक लीटर में जो होता है वो होता है 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर ब्रेथ, 1 डेसीमीटर हाइट। डेसीमीटर क्या होता है, 1 मीटर का को 10 भागों में बांटेंगे उसका एक भाग, तो 1/10 मीटर, तो 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1/10 मीटर गुना 1/10 मीटर गुना 1/10 मीटर, और 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/10 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 1/10 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 1/10 गुना 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप याद रख लें, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 48000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितना लीटर हो गया, 48 लीटर 48 लीटर, और 1 लीटर का कॉस्ट कितना है बताइए, 13 रुपया, तो 48 लीटर का कितना होगा, 13 × 48, तो आंसर होगा रुपया, 13 × 8 = 48 है, और ये 13 × 8 = 24 का 4 हासिल 2, 4 × 12 = 2 = 14, ये 48, 4 × 8 = 1 = 6, 624 आपका आंसर होगा। आपको समझ आना चाहिए 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम आया 48000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 48 लीटर हुआ, 1 लीटर का 13 रुपया, तो 48 लीटर का कितना हो गया, 624 रुपया, तो आंसर आपका 624 का ही है। ये सी सबसे लास्ट में होगा, ये जो आया आपका ये सी नंबर में मैच कर रहा है, आप अगर देखेंगे मतलब सीक्वेंस में, और सबसे पहले गिवन है डी, तो डी सबसे पहले ये वाली बात होगी, ये दोनों सब जो गिवन है सब डी में आएगा, ठीक है, पहले सी फिर डी, सॉरी पहले डी फिर सी, पहले डी हुआ फिर क्या होगा बताइए, आप मिला लीजिएगा, पहले क्या है डी गिवन है, फिर उसके बाद आपका है वॉल्यूम निकालना है बी दैट इज़ डी बी, फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो डी बी ए सी होगा, डी बी ए सी ऑप्शन डी, देख लीजिएगा, मैं तो सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात है, सीक्वेंस में देना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
ट्वेल्व कुछ यूं कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये तीनों साइड्स बराबर हो, तो ये एक्स तो ये एक्स तो ये भी एक्स होगा। पेरीमीटर कितना गिवन है बताइए, ये आपका 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जैसे को हम दो बार इसे अगर हम क्या करें, पहले मैं इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया मांगा है वैसे क्या होगा, मैं एरिया का फॉर्मूला प्रूफ करा देता हूँ। ये इस तरह से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब ये एक्स था एक्स था, ये भी एक्स होगा, तो ये क्या होगा एक्स बटे दो, ये भी क्या होगा एक्स बटे दो, आधा हो जाएगा। हमको ये चाहिए मान लीजिए हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा बताइए, अभी हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में, याद रखिएगा ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर छोटा वाला एक्स बटे दो का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे फोर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर बराबर एच स्क्वायर, दैट इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे फोर बराबर एच स्क्वायर। नहीं समझ आएगा तो बस फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर बराबर एच स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर का रूट, दैट इज रूट थ्री एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, फोर का रूट टू हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो गई, रूट थ्री एक्स बाई टू। अब एरिया, एरिया का क्या फार्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितनी है बताइए, बेस एक्स है और हाइट कितनी, रूट थ्री एक्स बाई टू, एक्स इंटू रूट थ्री एक्स बाई टू, तो फार्मूला हो गया रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला रूट थ्री एक्स, ये दिया हुआ नहीं है, यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर गिवन है ना, बस समझ आ रही है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, जिसका एक हमने प्रूफ कर दिया। अगर प्रूफ नहीं समझ आए तो आपको फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये मांगा है तो पेरीमीटर मतलब एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स बराबर अठारह, एक्स बराबर क्या हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, दैट इज़ रूट थ्री बाई फोर इंटू सिक्स, दो दुना चार, दो तिया छः, दो तिया छः तीन तिया नाइन, रूट तीन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन मिला लीजिएगा, सबसे पहले आपका सी होगा, उससे आपका ए निकल जाएगा, सी डी ए बी, सी डी ए बी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 12 हो गया, उतार लिए होंगे, बारह हो गया, ठीक है ना। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। 11 में बोला है कि द इनर एंड आउटर रेडिया ऑफ सर्कल, अभी ने बताया था ये इस तरह का सर्कल है ना, ये मान लेते हैं आर है और ये आर है, तो कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, आउटर 14 मीटर और इनर 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवल द ट्रैक एट द रेट ऑफ रुपीज़ हंड्रेड पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का 100 रुपया तो कॉस्ट मांगा है ये वाला, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमको रिंग का एरिया चाहिए, एरिया कितना हो जाएगा पाई, अभी बताया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर, दैट इज़ 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 49, 22/7 16 में 9 किया 7, ये क्या हो जाएगा 8 में 4 किया 16 में 7, 8 में 4 किया 4 1, 7 दुना 14 गलती हुई क्या, 7 8 56 कैंसिल करके हमारा कुछ तो आ जाएगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ गलती हुई, 14 स्क्वायर 196 और ये 49, रुकिएगा थोड़ा, या कुछ गलती हो रही है तो ऐसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे पता नहीं मेरा कैलकुलेशन ख़राब हो रहा था, इंटू 14 माइनस 7, 14 में 7 के 7 ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 14 7 कितना होगा 21, 21 दुना 4 21 दुना 42 4 40, ये क्या आया मीटर स्क्वायर। लेकिन एक मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है बताइए, 100 रुपया, तो कितना का चाहिए 462 मीटर स्क्वायर का, 100 गुना 462, दैट इज़ रुपया कितना
462 100। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 11 का आप इस तरह से मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, सिंपल। ठीक है ना, चलिए। चलिए 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, उसके बाद तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, तब भी मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या कह रहा है? द डायमेंशंस ऑफ शॉप आर 12 फीट बाई 8 फीट बाई 5 फीट। ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स मांगा है। फोर वॉल मतलब ऊपर एल बी और नीचे एल बी छोड़ देना है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, वॉल्स का बोला है, तो एल बी लेंथ ब्रेथ छोड़ देना है। तो 2 BH + 2 HL। देखिए एल बी तीन होगा ना, एल बी एच, एल बी का दो सरफेस होगा, बी एच का दो सरफेस होगा और एल एच का दो सरफेस होगा। लेंथ और ब्रेथ मिलके एक सरफेस बनेगा, दो ब्रेथ और हाइट मिलके दो सरफेस बनेगा और लेंथ और हाइट मिलके। लेकिन लेंथ और ब्रेथ वाला छोड़ देना है, जो कि सिर्फ फोर वॉल्स का मांगा है। यहाँ पुट कर दें, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट, हाइट है ना। 2H कॉमन ले लेते हैं, B+L। 2 × हाइट कितनी है? 5, और B कितनी है? 8+12। तो 5 × 10 × 20 कितना हो जाएगा? 200 फीट स्क्वायर। 200 फीट स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, 200 फीट स्क्वायर ऑप्शन बी गिवन है। ओह, क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया हमारा। 400 फीट स्क्वायर ऑप्शन सी गिवन है, 500 फीट स्क्वायर ऑप्शन डी गिवन है, 800 फीट स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा? 200 फीट स्क्वायर। उतार लें, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन था है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में वही करना था पूरा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर मेटल शीट इज, साइड कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर शीट ऑफ ग्रेटेस्ट, ये साइड ये हमारा ये 14 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर का है, ये भी 14 सेंटीमीटर का है, ये 14। क्वेश्चन में बोला है अ सर्कुलर शीट ऑफ ग्रेटेस्ट डायमीटर, यहाँ से हम लोग एक सर्कुलर शीट निकालते रहे। ठीक है, अब निकाल देंगे तो क्या होगा बताइए। डायमीटर इज रिमो इज कट आउट एंड फ्रॉम, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, इससे निकाल दिया जाएगा तो ये वाला बचेगा ना। तो वो जो एरिया निकालेंगे कैसे निकालेंगे? पूरा एरिया माइनस सर्कल का एरिया। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बताइए? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड, सर्कल का π r² और रेडियस क्या होगा? ये 14 का आधा, कितना? 7 सेंटीमीटर। साइड दर इज 14 × 14 − 22/7 × 7 × 7 कैंसिल, 196 − 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मिला लेंगे इसको, मिला लेंगे सेक्वेंशियल ऑर्डर में, मैंने इसका प्रोसेस बता दिया। ठीक है, उतार लें। अब तो फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे, एक ही बार में कई क्वेश्चंस कर देंगे। 1 2 3 बोलने में टाइम लगाएं क्या? उतार लिए होंगे आप लोग, नहीं उतारे तो पॉज करके उतार लें। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। 8 में क्या बोले? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512। वॉल्यूम कितना है? 512 m³। इसमें बोला है इज का लेंथ क्या होगा? भाई a³ = 512 किसका क्यूब हो जाएगा बताइए? 512 हो जाएगा 8 का क्यूब, दैट इज़ a का वैल्यू कितना आएगा? 8 m। यहाँ पे ऑप्शन है बी, बहुत इजी, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। उसके बाद 7 नंबर, 7 बोला है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 100। एरिया कितना दिया हुआ है? 100 cm² किसका? पैरेललोग्राम का, जिसमें बेस इज 25 cm। और बोला है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा? फॉर्मूला ही होता है इसका, बेस इंटू हाइट बराबर 100। तो बेस कितना है? 25 × हाइट = 100, 25 × 100 = 100। हाइट कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ए, बहुत ईजी। 1 2 3, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही मैं कर दे रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर मांगा है, उस एरिया इज, एरिया कितना है?
256 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर बताओ, 16 का स्क्वायर, 16 256, 6,925। तो क्या होगा, 16 स्क्वायर होगा, तो साइड कितना हो गया, 16 मीटर। पेरीमीटर चार साइड हो जाएगा, 4 × साइड, तो 4 × 16, दैट इज 68 मीटर। 68 मीटर कितना में, ये आपका 64 होता है वैसे, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उतार ले, बहुत इजी है, 6 हो गया। 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर गार्डन रेडियस 21 मीटर एट ₹10 पर मीटर। 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर गार्डन रेडियस कितना, 21 मीटर फेंस करना है और ₹10 पर मीटर। तो बताइए इसका सर्कमफ्रेंस चाहिए, 2πr, दैट इज 2 × 22/7 × 21, 7 × 21 = 21, 22 × 44 गुना 3 × 4 = 12 ले क्या, 132 क्या हुआ मीटर। और 1 मीटर का कितना रुपया, 10 रुपया, तो 132 मीटर का कितना हो जाएगा रुपया, 10 गुना 132, दैट इज 1320 रुपया। अब 1320 रुपया कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में है, आप बोले कि सर बहुत फास्ट हो रहा है, आप थोड़ा स्लो करें। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर चार में क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टी एस ए मांगा है और साइड कितना गिवन है, 5 मीटर। कितने सरफेस है, 6 सरफेस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6a² दैट इज 6 × a × a, 6 × 5 × 5, 56 × 35 = 150, 150 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मांगा है, कैपेसिटी मांगा है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, 6 × 3 × 2, 6 × 18 = 36 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए बहुत सही। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, जैसे कोई दम क्वेश्चन में है नहीं तभी मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड 8 मीटर। साइड कितना मीटर, 8 इधर 8 इधर बाई 3 मीटर, ठीक है। अब इसे स्क्वायर निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, ये 3 मीटर से तो हम छोटा ले नहीं सकते, बड़ा ले नहीं सकते, तो यहाँ से कट कर लेंगे, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, ये टोटल 8 है, ठीक है। तो यही हमारा, इससे बड़ा नहीं ले सकते, तो इसका क्या मांगा है, साइड मांगे, तो क्या होगा, 3 मीटर आंसर होगा। तो 3 मीटर आंसर होगा ऑप्शन ए। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 729 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या मांगे, इज का लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, a × a × a, 729 किसका क्यूब, 9 का क्यूब, तो ए कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेंटीमीटर होगा, वैसे गलत दिया है, ये जहाँ मीटर है ऑप्शन में वो सेंटीमीटर कर देना है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन जो पहले के क्वेश्चन तो लास्ट को मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत ईजी था, आपको मज़ा आया होगा, खुद ही कर लिए होंगे, बस ऐसे ही आप देख रहे थे वीडियो शायद, बट शुरू के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत समझ आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।